भागलपुर के एएसपी विनीत कुमार और सिटी डीएसपी राजवंश सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने नए साल के आगमन को लेकर 31 दिसंबर की देर रात शराबियों के खिलाफ रोको टोको अभियान चलाया। इसमें स्टेशन चौक समेत शहर के कई इलाकों में यह अभियान चलाया गया, जिसमें स्टेशन चौक से 8 शराबियों को पकड़कर कोतवाली थाना भेजा गया, जबकि 3 बाइक के साथ एक मारुति कार को भी जब्त किया गया। मारुति कार में सवार लोग शराब के नशे में धुत थे। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर शराबियों में हड़कंप मचा हुआ था। सनमार्ग के लिए भागलपुर से सनमार्ग टीम की रिपोर्ट। और नया साल आने वाला है, उसकी पूर्व संध्या पर पूर्व रात्रि में जरूरी था। आज हम लोग की संभावना थी कि ज्यादा शराब वगैरह पी के लोग चलेंगे और असामाजिक तत्व भी आ सकते हैं, छेड़खानी वगैरह घटनाएं हो सकती है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार आज रोको टोको अभियान और गश्ती कड़ाई से कर रहे हैं हम लोग, और अभी तक 8 दारू पिए हुए लोग और 5 गाड़ियां, इसमें 4 मोटरसाइकिल 1 चारपहिया वाले कोतवाली थाना भेजा गया, और अभी अभियान हम लोग का चलेगा, शहर में हम लोग निकल रहे हैं। सिर्फ नववर्ष में ही चलेगी या सर लगातार चलती है? आज कुछ विशेष था इसलिए गिरफ्तारियाँ भी ज्यादा हुई, लेकिन ये लगातार चलता है, अचानक हफ्ते में 2-3 दिन तो करी रहे। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।